This is Mannat Education and I'm Mrs. Mannat Lakshman Mulchandani. So I'm back with my second video. ये video आगे बढ़ाने से पहले मुझे आप लोगों से एक promise चाहिए. Promise as in कि आपको at least आगे 6 to 7 lectures मेरे साथ जुड़े रहने. क्यों? Reason being मैं अभी start कर रही हूँ fundamentals of accounting. फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में मैं क्लियर करूंगी अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज, रूल्स, रेगुलेशन, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट. तो उसको आपको समझने के लिए एटलीस्ट 6 to 7 लेक्चर कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा. सो उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि वॉट अकाउंट्स इज. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विथ टर्मिनोलॉजीज यूज इन अकाउंट्स. What do you mean by terminologies? These are the words that are only used in accounting world. जैसे कि अभी कोई कोई words ऐसे होते हैं जो आप day to day life में use नहीं करते हैं, but उस वो words आपको accounts में दिखाई देंगे. जैसे कि assets, liabilities, goods. So ये words अगर मैं आपको पहले clear नहीं करूँगी तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि accounts में आगे क्या करना है. तो आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें मैं कवर करूंगी टर्मिनोलॉजीज दैट आर यूज्ड इन अकाउंटेंसी, जिसमें फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है मेरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस. बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस तो आपने वर्ड सुना होगा, ट्रांजैक्शन शायद आपके लिए न्यू वर्ड हो. ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ पे है कोई एक्टिविटी, लेन देन. वो एक्टिविटी, वो लेन देन जो कहाँ पे हो रही है, बिजनेस में हो रही है. वो ट्रांजैक्शंस कहाँ हो रहे हैं, बिजनेस में हो रहे हैं. ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हम अकाउंट्स में कंसिडर करते हैं. पहले हम इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ. बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन क्रेडिट. इससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप एक कुर्ती शॉप पे कुर्ती लेने जाते हो, तो वहाँ एक ट्रांजैक्शन होगा. कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? आप उनको पैसे देंगे, वो आपको कुर्ती देंगे. मतलब यहाँ पे एक एक्सचेंज हुआ. क्या एक्सचेंज हुआ? प्रोडक्ट एक्सचेंज हुआ उसका, बिटवीन टू और मोर पर्सन्स. यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व थे, एक आप और एक वो. तो टू पर्सन्स के बीच में एक एक्सचेंज हुआ प्रोडक्ट का इन द फॉर्म ऑफ कैश. आपने उसको क्या दिया? कैश. तो इसको बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन. चलिए, कमिंग टू दिस, बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब जिसमें एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ बिजनेस, जिसमें प्रोडक्ट एक्सचेंज हो रहा है या सर्विस एक्सचेंज हो रही है. सर्विस का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं अगर ट्यूशंस पढ़ा रही हूँ, प्राइवेट ट्यूशंस पढ़ा रही हूँ, तो मैं उनको ट्यूशंस पढ़ा के सर्विस दे रही हूँ और वो मुझे क्या दे रहे हैं? कैश. तो वहाँ होता है एक्सचेंज ऑफ सर्विस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स इन द फॉर्म ऑफ कैश. सो बिजनेस ट्रांजैक्शन में प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है. प्रोडक्ट कौन एक्सचेंज करेगा? बिजनेसमैन. एंड सर्विस कौन एक्सचेंज करेगा? प्रोफेशनल. बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, टू और मोर पर्सन्स यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि एक्सचेंज के लिए दो पर्सन का होना कंपल्सरी है. सिंगल पर्सन खुद ही खुद में एक्सचेंज नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू और मोर पर्सन्स इन द फॉर्म ऑफ कैश. अगर वो कैश देता है तो बिजनेस ट्रांजेक्शन उधर ही खत्म हो जाएगा. बट यहाँ एक न्यू वर्ड है, इन क्रेडिट. क्रेडिट का मतलब अगर वो आपको कैश अभी नहीं दे रहा है, बट उसने पैसे बाकी रखे हैं फ्यूचर के लिए कि वो आपको फ्यूचर में पेमेंट करेगा, तो वो ट्रांजैक्शन कैश में कहलाएगा नहीं. वो ट्रांजैक्शन कौन सा होगा? क्रेडिट. क्रेडिट मींस हिज पेमेंट इज येट टू बी रिसीव्ड, मतलब उसने अभी तक पेमेंट नहीं दी है, तो वो ट्रांजैक्शन कौन सा होगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन. आगे मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि वॉट इज कैश ट्रांजैक्शन एंड वॉट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन. इसकी सेकंड पॉइंट है, इट इज ऑलवेज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. अभी ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होता है वो मैं अभी आपको कवर करूंगी थोड़ी देर में. पहले हम ये समझ लेते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस के दो टाइप होते हैं, एक कैश ट्रांजैक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जो मैंने ऊपर आपको बताया. कैश पे आ जाते हैं. ट्रांजैक्शन फॉर विच मनी इज रिसीव्ड एट अ टाइम दैट इज ऑन द स्पॉट.
वो ट्रांजैक्शन जिसमें हमको पैसे एट अ टाइम मिल जाते हैं। मैंने कुर्ती खरीदी, मुझे कुर्ती मिल गई, सामने मैंने पैसे दे दिए, बात खत्म, ट्रांजैक्शन ओवर। वो कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? क्रेडिट कैश ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल, गुड्स ऑफ 5,000 सोल्ड टू राकेश फॉर कैश। मैंने राकेश को 5,000 के गुड्स कैश पे सेल किए। यहाँ स्पेसिफिकली वर्ड कैश लिखा हुआ है, मीन्स वो कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन में आपको क्लियरली वर्ड लिखा हुआ होगा फॉर कैश। इससे आपको ये समझना है कि राकेश ने एट अ टाइम पैसे दे दिए हैं। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब हुआ वो ट्रांजेक्शन जिसमें मनी हमको एट अ टाइम ऑन द स्पॉट रिसीव हो चुका है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन फॉर विच मनी इज नॉट रिसीव्ड एट अ टाइम बट विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। वो ट्रांजेक्शन जिसमें हमको पैसा अभी नहीं मिला है बट हमको फ्यूचर में मिलेगा, बट इट विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, मतलब उसने पैसे बाकी रखे हैं। एग्जाम्पल, गुड्स ऑफ 5,000 सोल्ड टू राकेश विद अ कंडीशन टू पे द अमाउंट विद द 10 डेज। हमने उसको सेल किए पर एक कंडीशन है कि वो विद इन 10 डेज हमको अमाउंट पूरी पे कर देगा। तो ये जो राकेश के साथ हमारा ट्रांजेक्शन हुआ वो कैश ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पैसे एट अ टाइम नहीं दिए हैं। वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाएगा क्योंकि वो पैसे हमको फ्यूचर में देगा। सो दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आगे हम सम्स करेंगे, उससे भी आपको क्लियर आइडिया आ जाएगी कि वॉट इज कैश ट्रांजेक्शन एंड वॉट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का फर्दर क्लासिफिकेशन है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। मैंने आगे सेकंड पॉइंट कवर की थी जो मैंने आपको बताया था, इट इज़ ऑलवेज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन हमेशा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगा, पर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। इट इज़ अ ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन वो है जो हमेशा मेजर होगा इन द टर्म्स ऑफ मनी, एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आर दोज ट्रांजेक्शन हुज वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी में मेजर नहीं होगा। चलो एग्जाम्पल से समझाते हैं। 9,000 पेड फॉर रेंट, मैंने मेरे रेंट के 9,000 पे किए। ट्रांजेक्शन है। क्यों ट्रांजेक्शन है? क्योंकि इसमें 2% इन्वॉल्व है, मैं और सामने वाला जिसको मैंने रेंट की पेमेंट की। ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व है। कोई भी ट्रांजेक्शन में मनी इन्वॉल्व हो तो वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बन जाता है। इस रेंट को मैं मेजर कर सकती हूँ मनी में, तो ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में मैंने आपको बताया इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। मैं साइमल्टेनियसली कवर करती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका, एन ऑर्डर इज रिसीव टू सप्लाई द गुड्स ऑफ 10,000। मुझे सिर्फ एक ऑर्डर मिला है कि मुझे गुड्स को सप्लाई करना है। क्या मुझे पेमेंट आई है? क्या मैंने गुड्स सप्लाई किए हैं? नहीं, ये एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें मनी इन्वॉल्व अभी तक नहीं हुआ है, तो ये ट्रांजेक्शन कहलाया जाएगा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एज मनी इज नॉट इन्वॉल्व। और यही ऊपर वाला ट्रांजेक्शन, इसमें मनी इन्वॉल्व था। सेकेंड एग्जाम्पल, फर्नीचर परचेज्ड ऑफ ₹30,000। क्लियरली दिख रहा है कि ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। क्यों? क्योंकि मैंने फर्नीचर परचेज किया है और मैंने सामने ₹30,000 दिए हैं। फर्नीचर की वैल्यू है 30,000। इट इज़ अ ट्रांजेक्शन, ये एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जो मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। इसकी वैल्यू है 30,000, तो ये ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। इसका सेकंड एग्जांपल, अ प्लानिंग इज मेड टू बाय वन प्रोडक्ट। बिजनेस में प्लानिंग चल रही है कि हमको फ्यूचर के लिए एक प्रोडक्ट खरीदना है। जस्ट प्लानिंग चल रही है, प्रोडक्ट खरीदा नहीं है। वो अभी तक सिर्फ सोच ही रहे हैं कि प्रोडक्ट खरीदेंगे। इसमें तो कोई वैल्यू भी नहीं दी हुई है प्रोडक्ट की। ये प्योरली नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट को हम अभी मनी टर्म्स में वैल्यू नहीं कर सकते। सो आज के लिए इतना ही। आज मैंने कवर किए हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं कवर करूँगी फर्दर टर्मिनोलॉजीज। मेरी सेकेंड टर्मिनोलॉजी होगी कैपिटल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। सी आप, बाय।